नाम सारिका खंडेलवाल है। मैंने अपना आरएएस का फर्स्ट अटेम्प्ट 2016 में दिया, जिसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात मैंने सेकेंड अटेम्प्ट 2018 में दिया, जिसमें मुझे अपने परिवार के सहयोग से, माता पिता के आशीर्वाद से और टीचर्स के गाइडेंस से और सहयोग से मुझे सफलता प्राप्त हुई। 2018 में मैंने जब तैयारी शुरू करी तो मेरी मुलाकात पूनिया सर से हुई और मुझे उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पूनिया सर ने मुझे उस टाइम पढ़ाया था। इसके अलावा उनके मार्गदर्शन में मैंने काफ़ी मॉक्स दिए थे। प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज थी मैंने वो दी थी, जिससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। इसके पश्चात मेंस में उन्होंने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, इसके अलावा आईआर भी पढ़ाया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि मेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जिसका रहा, मैंने आंसर राइटिंग करी पूनिया सर के मार्गदर्शन में। इसके अलावा जो भी कमियाँ आती गईं उनको मैं दूर करती गई, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होती गई और आंसर राइटिंग बेटर होती गई। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस में। इसके पश्चात फिर इंटरव्यू का कॉल लेटर आया तो वही मैंने किया, से प्रैक्टिस करी, काफ़ी मॉक्स दिए पूनिया सर के मार्गदर्शन में, काफ़ी मॉक्स दिए। इनिशियली फर्स्ट मॉक्स मेरा काफ़ी ख़राब रहा, फिर धीरे धीरे जो भी कमियाँ आती गई उनको मैं दूर करती गई कि जो भी कमियाँ हैं किस तरह से उनको दूर किया जाए, जो अच्छाइयाँ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। तो उस तरह से फिर इंटरव्यू इम्प्रूव हुआ एंड फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि तीनों स्टेप्स में इम्पॉर्टेंट रही, प्रैक्टिस, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट देने हैं, मेंस में जो इंटरव्यू की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो देनी है। उसमें जो जो कमियाँ होती है धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, किस तरह से आंसर को आप बेस्ट बना सको वो आपको ध्यान देना है। एंड सेम फॉर इंटरव्यू, कि किस तरह से ज़्यादा मॉक्स दे करके आप अपनी कमियों को दूर कर सकें। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं या फिर क्लास नोट्स होते हैं, उसके अपने पर्सनल नोट्स भी बना के रखने होते हैं ताकि आपको रिवीजन में हेल्पफुल हो सकें। मैंने यही किया, मेरे जो क्लास नोट्स होते थे या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती थी, लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत थी या हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम थी, इकोनॉमिक्स के लिए उमा कपिला थी, राजस्थान की लक्ष्य थी, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स थी। इसमें से आप अपने शॉर्ट नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बना कर रखो ताकि आपको बार बार रिवीजन करने में हेल्पफुल रहे। तो वही सब चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा मेंस में तो आंसर राइटिंग इसका बेस्ट है, उसके अलावा कुछ मतलब वो ही बेस्ट है क्योंकि दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंस है। तो वही सब मैंने किया जिसके थ्रू आज मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एंड टीचर्स, स्पेशली पूनिया सर को देना चाहूँगी, क्योंकि इन द थ्री ऑल थ्री प्रोसेसेस, ऑल द थ्री स्टेप्स है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ही वॉज विद मी। उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया हर स्टेप में कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे अच्छा हो सकता है और इम्प्रूव करना है, उस वजह से मैं अच्छा कर पाई। सो आई वॉन्ट टू थैंक यू सर, and that's all. Thank you.